हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं और शॉर्ट सेलिंग के सबसे बड़े एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नॉर्मल जो आप ट्रेडिंग करते हो कैश मार्केट या इक्विटी मार्केट में, इसको इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, उसमें आप नॉर्मली क्या करते हो, पहले बाय करते हो फिर सेल करते हो, करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्टॉक खरीदा 150 रुपीज में और लेट से आपने उसको होल्ड किया एक दो महीना तीन महीना और उसके बाद जब वो 180 हुआ तो आपने उसको सेल कर दिया। सो ऐसा करने से आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, करेक्ट। इंडिया में ज्यादातर लोग यही करते हैं और 70% लोग इनफैक्ट यही ट्रेडिंग करते हैं, पहले बाय देन सेल, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं और जो F&O के एक्सपर्ट प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो ज्यादातर बाइंग एंड सेलिंग नहीं करते, इनफैक्ट पहले सेलिंग करते हैं उसके बाद बाइंग करते हैं, उसको उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। फॉर एग्जांपल आप फ्यूचर्स में यही स्टॉक, लेट से आपको लगता है कि स्टॉक नीचे आने वाला है तो पहले आप इसको सेल करोगे 180 में और जब वो 150 आ जाए तब आप बाय करोगे, रिवर्स ट्रेड। जैसे नॉर्मल ट्रेड आप क्या करते हो, पहले बाय करते हो फिर सेल करते हो, करेक्ट। पहले आप बाई क्यों करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो आपने 150 पे बाई किया और सेल किया 180 पे, तो 30 रुपीज प्रॉफिट आया, करेक्ट। तो सेम वे वाइस वर्सा ट्रेड ये होता है कि पहले लेट से प्राइस है 180 और आपको लगता है कि स्टॉक नीचे जाने वाला है, ठीक है, तो आप पहले उसको शॉर्ट करोगे, शॉर्ट मीन्स आप पहले उसको सेल करोगे और उसके बाद जब प्राइस नीचे आता है 150 तब आप उसको बाई करोगे, तो ऐसे भी आपको 30 रुपीज प्रॉफिट मिलता है। अब मैं यहाँ पर आपको जितने लोग जो कैश मार्केट ट्रेडिंग करते हैं पहले मैं आपको समझा देता हूँ। कैश मार्केट में क्या होता है कि आपके पास स्टॉक एज अ होल्डिंग में होना चाहिए तभी आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, करेक्ट, वरना इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउ है। इंट्राडे मतलब सेम डे आपको शॉर्ट करना है, सेम डे आपको स्टॉक को स्क्वायर ऑफ करना है। लेकिन फ्यूचर्स में आप स्टॉक शॉर्ट कर सकते हो अगर आपके पास पोर्टफोलियो में होल्डिंग नहीं है फिर भी आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। अब वो कैसे शॉर्ट कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। कैश मार्केट में क्या होता है, लेट से मैंने आज 500 शेयर टाटा शील सेल किया, सो मेरे पास पोर्टफोलियो में 500 शेयर टाटा शील होना चाहिए और वो दो दिन बाद में मेरे डीमैट अकाउंट से रिलीज होगा और जिसने बाई किया है उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर मुझे 500 शेयर का एक्चुअल डिलीवरी देना पड़ रहा है कैश मार्केट में जब मैं स्टॉक सेल कर रहा हूँ। लेकिन फ्यूचर्स में क्या होता है, फ्यूचर्स में जब मैं स्टॉक सेल करता हूँ, लेट से मैंने 1000 शेयर टाटा मोटर सेल किए फ्यूचर्स में शॉर्ट सेलिंग किए, तो मुझे यहाँ पर किसी को डिलीवरी नहीं देना है, इट्स अ बेटिंग गेम। फ्यूचर में जो शॉर्ट सेलिंग होता है इसको बेटिंग गेम भी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग इज अ बेटिंग गेम, बेटिंग मतलब मैंने बेटिंग किया है कि स्टॉक नीचे जाएगा, इसलिए मैंने 1000 शेयर सेल किया है लेकिन मुझे किसी को डिलीवरी नहीं देना है। इट्स अ नोशनल लॉस प्रॉफिट एंड लॉस गेम वेयर आई एम डूइंग अ बेटिंग दैट प्राइसेस विल फॉल। अब प्राइस गिरता है तो मुझे प्रॉफिट आएगा, प्राइस ऊपर जाता है तो मुझे लॉस होगा। फ्यूचर में आप शॉर्ट सेलिंग इसलिए कर सकते हो क्योंकि आपको किसी को स्टॉक को डिलीवरी नहीं देना है और जरूरी नहीं आप जो स्टॉक सेल कर रहे हो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन आपको ये समझ में आया होगा कि फ्यूचर्स में आपके पास स्टॉक का डिलीवरी होल्डिंग पोर्टफोलियो में होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है प्राइस नीचे जाने वाला है तो आप स्टॉक को पहले ही शॉर्ट सेल कर सकते हो, आपके पास पोर्टफोलियो में नहीं है फिर भी आप उसको पहले सेल कर सकते हो फिर आप बाय कर सकते हो, करेक्ट। अब शॉर्ट सेलिंग ज्यादातर बड़े प्लेयर्स करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स ज्यादातर ये कैश मार्केट इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं जहां पर वो पहले बाय करते हैं फिर सेल करते हैं, ठीक है। आपने हाल ही में सुना भी होगा कि शॉर्ट सेलिंग पे एक्सचेंज बैन लगा रहा है, वो इसलिए लगा रहा था क्योंकि शॉर्ट सेलिंग ट्रेडर्स इतने आ गए थे मार्केट में कि इसीलिए मार्केट बहुत जोर से गिरने लगा था। अब शॉर्ट सेलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ। अगर आप CNBC आवाज चैनल देखते हो तो कई बार आपने ये सुना होगा कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये है, दो बढ़ने वाले शेयर के सामने छह गिरने वाले शेयर है, करेक्ट। सो जो बाय डिफॉल्ट नेचर ऑफ द स्टॉक है वो ज्यादातर डाउनवर्ड ज्यादा होता है, मतलब मैं आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉक बता सकता हूँ जो बढ़ते कम है गिरते ज्यादा है, ठीक है। अब जो ऐसे स्टॉक है इसमें अगर आप एज ए इन्वेस्टर बन के ट्रेड कर रहे हो पहले बाय देन सेल तो आपका फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप बाय करोगे स्टॉक नीचे चले जाएगा और आप इन्वेस्टर बन जाओगे।
आप बाय करोगे, वापस एवरेज करोगे और स्टॉक और नीचे चला जाएगा और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। यस बैंक में वैसे ही हुआ, कई लोगों ने 240 में खरीदा, फिर कई लोगों ने 150 में एवरेज किया, फिर 100 में एवरेज किया, और अब वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। सो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्यों बने? क्योंकि इनको शॉर्ट सेलिंग करना नहीं आता था। तो आपको शॉर्ट सेलिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको मार्केट में एक सीरियस बड़ा पैसा प्रॉफिट कमाना है। तो शॉर्ट सेलिंग आप ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने कई ऐसे बड़े ट्रेडर्स भी देखे होंगे जो खुद यही बोलते हैं कि शॉर्ट सेलिंग पे सेलिंग की तरफ ज्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि सेलिंग में पैसा बहुत जल्दी बनता है और बहुत फास्ट बनता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, कुछ स्टॉक्स का, कुछ इंडेक्स का, जहाँ पर आप काफी काफी शॉर्ट टाइम फ्रेम में काफी बड़ा पैसा बना सकते थे अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना आता होता तो। अब यहाँ पर ध्यान देना वीडियो, आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो, ये है निफ्टी का चार्ट, आप निफ्टी का डेली चार्ट देख सकते हो। ये देखो, यहाँ से मार्केट बढ़ने के लिए, इतना ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा? पर अगस्त से ऑलमोस्ट जैन तक, अगस्त से जैन तक, राइट? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ओके? तो अप्रोक्सीमेटली 5 महीना लग गए मार्केट को ऊपर जाने के लिए, ये लेवल से ये लेवल तक। लेकिन ये लेवल से वापस ये लेवल पे आने के लिए मार्केट को कितना टाइम लगा? जस्ट 1 मंथ। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 5 महीने का जो तेजी है वो 1 महीने में खत्म हो जाता है, ठीक है? और ये अगर फॉल आपने पकड़ा हो तो ट्रस्ट मी, आपका 2 लाख रुपए का कैपिटल स्ट्रेट अवे 40 से 50 लाख रुपए हो जाता अगर आप ये बड़ा मूव कैप्चर कर सकते थे। इसके लिए आपको शॉर्ट सेलिंग सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे राइट टाइम पे आप शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकते हो। अब मैं आपको बहुत एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ध्यान से वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आपको जनरली मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके अच्छा पैसा बनाना है। 260 वाला स्टॉक आप देख सकते हो कितनी स्पीड से नीचे आया है। इनफैक्ट मैं आपको इसको वीकली चार्ट करता हूँ तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये स्टॉक का रेट क्या होता था आप देख सकते हो, करेक्ट? 400-500 रुपए वाला स्टॉक आप देख सकते हो कितनी स्पीड से नीचे आया है, ठीक है? ये विद इन 1 ईयर का टाइम फ्रेम है, ज्यादा टाइम फ्रेम नहीं है, विद इन 1 ईयर का टाइम फ्रेम है। अभी भी आप देख सकते हो नीचे स्पीड आने में बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको यस बैंक, आपका फेवरेट स्टॉक, दिखाता हूँ। यस बैंक में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा लॉस किया, लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सारे शॉर्ट सेलिंग करने वाले ट्रेडर्स ने लाखों रुपए कमाए यस बैंक में जस्ट शॉर्ट करके, दैट्स इट। एवरी उछाल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ तक आया, वापस अगर कोई बाउंस आया, वापस यहाँ पे भी शॉर्ट किया, यहाँ पर भी शॉर्ट किया, आप देख सकते हो कितनी स्पीड से फॉल होता है, ठीक है? तो शॉर्ट सेलिंग में जो पैसा बनता है, बायर को पैसा कमाने के लिए 5 साल लग जाते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलर को पैसा कमाने के लिए, सेम उतना ही पैसा कमाने के लिए 6 महीना या 3 महीना ही काफी है। तो आपको एक बात इंपॉर्टेंट समझ में आई होगी कि शॉर्ट सेलिंग कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना बड़ा टॉपिक है। और देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं, जेट एयरवेज, आप देख सकते हो 800 रुपए का स्टॉक जनवरी 2018, अब ये जुलाई 2020, ऑलमोस्ट 2.5 साल में 800 रुपए का स्टॉक कितना रुपए? 28 रुपीज। आप इसमें एवरी डे आके शॉर्ट सेलिंग करते एवरी डे तो भी आपको पैसा आता। लेट से आप 2-3 लॉट अगर शॉर्ट करके छोड़ देते तो भी आपको एक बहुत बड़ा पैसा आता। तो आपको एक समझ में आ रहा होगा कि शॉर्ट सेलिंग कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और शॉर्ट सेलिंग में सबसे बड़ा पैसा बनता है। इसीलिए ज्यादातर बड़े ट्रेडर्स, प्रो ट्रेडर्स जो मार्केट में होते हैं, वो शॉर्ट सेलिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप नए ट्रेडर हो, मार्केट में आए हो, नया भी स्टार्ट हुआ है, 3 महीना 6 महीना ही हुआ है, या आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप शॉर्ट सेलिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दो। और शॉर्ट सेलिंग आपको ऐसे स्टॉक्स में ज्यादा ध्यान देना है जो वीक स्टॉक है, ठीक है? वीक स्टॉक मतलब ऐसे स्टॉक जो बढ़ते कम है, गिरते ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हाउसिंग फाइनेंस, आपने नाम सुना होगा। ये देखो 1400 रुपए वाला स्टॉक, 1400 रुपीज वाला स्टॉक, 6 अगस्त 2018, आज प्राइस कितना है? 235। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा अगर किसी ने 1 या 2 लॉट भी शॉर्ट किया होगा इसमें, तो एक बहुत बड़ा पैसा बनता है। आप देख सकते हो फ्यूचर्स में, आपको पता होगा, 3-3 महीने के आगे के कॉन्ट्रैक्ट भी शॉर्ट सेल कर सकते हो। तो लेट से आपको लगता है कि 3 महीने बाद ये स्टॉक का भाव 100 रुपये होने वाला है, तो आज ही आप 3 महीने आगे का कॉन्ट्रैक्ट 1 लॉट सेल करके बैठ सकते हो।
दैट इज ऑल्सो एडवांटेज. ये बहुत कम लोगों को पता है कि 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं, और 3 महीने के लॉन्ग डेटेड कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए यूज़ किए जाते हैं कि जब आपको लगता है कि 3 महीने में स्टॉक का भाव नीचे जाने वाला है, तो आप 3 महीने पहले ही स्टॉक को सेलिंग करना चालू कर दो. सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा कि लोग कैसे बड़ा पैसा कमा सकते हैं अगर उनको प्रॉपर राइट टाइम पे शॉर्ट सेलिंग करना आता है और प्रॉपर उन्होंने स्टॉक सिलेक्शन किया है. फॉर एग्जाम्पल RBL बैंक, आप देख सकते हो ये रहा RBL बैंक, जुलाई 2020, एक साल में 700 रुपए वाला स्टॉक 180 रुपीस चालू है, 100 रुपए तक जाके आया है. अब आप मुझे बताओ एज अ बायर आप इसमें कितना पैसा कमाते हैं और एज अ सेलर आप कितना पैसा कमाते हैं. अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ ये स्टॉक तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रेट अवे 70% डाउन है. लेकिन अगर आपने इसमें राइट टाइम पे शॉर्ट सेलिंग किया होता तो आपका पोर्टफोलियो 70 टाइम्स इंक्रीज हो चुका होता, 70 टाइम्स. DHFL अगर आपने स्टॉक का नाम सुना है, 600 रुपए वाला स्टॉक अक्टूबर 2018 से लेके आप देख सकते हो. जी एंटरटेनमेंट, ऐसे में आपको कई सारे स्टॉक बता सकता हूँ जो 600 रुपए वाले स्टॉक आप देख सकते हो 170 रुपए, 150 रुपए, सो ऑलमोस्ट हाई से 70-80% डाउन है. फॉर एग्जाम्पल आपका फेवरेट LIC हाउसिंग फाइनेंस भी 700 रुपए का भाव होता था और आप देख सकते हो कितने स्पीड से नीचे आए. तो आप मुझे बताओ ऐसे स्टॉक्स में बायर बन के काम करना चाहिए कि सेलर बन के काम करना चाहिए, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है. और आपको ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि शॉर्ट सेलिंग से बड़ा पैसा बनता है या नहीं बनता है. ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना. शॉर्ट सेलिंग का एक ही बिगेस्ट डिसएडवांटेज ये है कि जब मार्केट बुल रन होता है तो अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन गलत किया है तो आपको लॉस हो सकता है. ठीक है, सो वापस मैं बोल रहा हूँ, आपको अप ट्रेंड वाला स्टॉक सिलेक्ट नहीं करना है. जैसे अगर आपने बाटा इंडिया स्टॉक सिलेक्ट किया होता, एवरी शॉट में पैसा लॉस करते, करेक्ट, एवरी शॉट में आप पैसा लॉस करते. सो शॉर्ट सेलिंग मतलब एवरी डे शॉर्ट सेलिंग करके लॉस करना, उसको शॉर्ट सेलिंग नहीं बोलते हैं. शॉर्ट सेलिंग मतलब आपको वीक स्टॉक फाइंड आउट करना है और उसमें जब भी आपको बेरिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन मिले तब आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा फोकस करना है. ठीक है, स्ट्रांग स्टॉक में नहीं, वीक स्टॉक में. आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग कैसे लोग यूज करते हैं और एक बड़ा पैसा कैसे कमाया जा सकता है शॉर्ट सेलिंग से. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.